क्या है ये सब? क्या क्या हो रहा है? क्या हालत बना रखी मेरे कमरे की? जी वो बच्चों के फोटो है। फोटो क्या क्या किसकी फोटो है? किसके बच्चे हैं ये? मेरे कमरे में क्यों? दीदी और माँ जी ने लाकर दिए हैं, कहा कि प्यारे बच्चों के फोटो देखने से बच्चा भी प्यारा होगा। अच्छा, ऐसे बच्चे चाहिए आपको? ये तो अंग्रेज है। और आप जानती हैं इनका बाप कौन है? जानती हैं? फिर आप मेरे बेटे को किसी और के जैसा क्यों बनाना चाहती हैं? क्या हुआ बेटा है? आप इधर आइए, इधर आइए, अंदर आइए। आप क्या, ये क्या लाके दिया आपने सब? और क्या शेयर दे रही है आप ना? कैसे प्यारे बच्चों को देख के प्यारा बच्चा होगा? हाँ बेटा, प, 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 कहते तो ऐसे ही है। आपको ऐसा पता चाहिए? अंग्रेज? मैं मर नहीं गया हूं, मेरा बेटा मेरे जैसा होगा, ऐसे अरे गहरे बच्चों के जैसा नहीं होगा। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा होना चाहिए ना। जान दो, छोड़ो, हम मुक्ति से कहके ना अभी सारी फोटो हटवा देते हैं। हटाओ से, हटाओ ये सब बकवास। हाँ चलिए चलिए भाभी। हाँ हाँ भाग रहे। हे भगवान, अब फेफड़े फट जाएंगे हमारे। रोजाना दौड़ लगाने से स्किन यंग रहती है, फेस पे ग्लो रहता है। आप चमक। अरे क्या, अरे व्हाट हैपेंड मैक जी? बस बस हो गया, अब हमसे और नहीं होने वाला, हम बहुत थक गए। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी फोटो मत क्लिक कीजिए। अजी आप हैं इतनी फोटोजेनिक और खूबसूरत कि हाथ मजबूर हो जाते हैं फोटो लेने के लिए। अजी जी करता है कि आपकी हर अदा को ना तस्वीर में कैद कर लो। अजी अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें और हम फिल्म वालों को सुंदरता। रहने दीजिए ना मैक जी, इतने सुंदर कहां रहे हम? अब शादी के पहले देखना चाहिए था आपको हमें, तब आप सच में कहते कि हम कितनी सुंदर थी। अरे कौन माइका लाल कहते हैं आप खूबसूरत नहीं है। ये देखिए, ये फोटो देखिए ना, क्या कमाल की फोटो आई है आप। देखिए ये, ये, ये कल वाली देखिए। ये हम हैं जी, आप हैं। सोचिए इनमें से एक फोटो का एक बड़ा सा पोस्टर बन जाए, बड़ा सा। अजी कमाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। टू Too hot. सब कुछ सही है, सब कुछ, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत, थोड़ी सी, वो भी हो जाएगी। एक बार आप बॉम्बे आ जाए ना तो कोई भी आपको आसानी से काम दे देगा। आप किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। सच मैक जी? तो जी मुंबई की हवा में ऐसा जादू है कि वहां जो जाता है ना, वहां जाते ही उम्र उसकी रुक जाती है। सिर्फ सपने चलते हैं। हाँ? लेकिन मैं जब से आपको ये आया हूं ना और ये घर गृहस्थी संभालते देख रहा हूं, बहुत दुखी हो गया। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट।
और घर के भी क्या सुनने को मिलता है? सिर्फ गालियां। जे क्या समझेंगे टैलेंट को, खुद तो गोबर है, हमें भी गोबर बना के रखा है। That's the worst, है ना? एक मिनट हाँ जे लीजिए, आ गया बुलावा। क्या करेंगे हमें बुला के? कहेंगे रश्मि खाना कब बनेगा, रश्मि काम क्यों नहीं खत्म हुआ, बर्तन क्यों नहीं अभी तक मंजे हुए, अरे बाकी के घर वाले क्या आचार डालने के लिए बैठे हैं, सारा काम हमसे ही करवाते रहते हैं। एक मिनट हाँ, हेलो, अरे बाबा आ रहे हैं हम। हाँ उर्मी, अब तुम कच्चा नारियल खाना शुरू कर दो, बच्चा गोरा होगा। सच्ची दीदी? हाँ ऐसा ही तो होता है। आओ भाई आओ, जल्दी आओ उठे। अरे देवर जी, आप तो अभी अभी गए थे ना, इतने जल्दी कैसे आ गए? क्यों प्रॉब्लम है आपको कोई? या मैं जल्दी आ नहीं सकता अपने घर में, बताइए आपको दिक्कत है, चले जाता हूँ वापस, चले जाऊ? अरे नहीं बताइए। क्या देवर जी आप भी मुक्ति? हाँ काम मर गया, इधर आओ, रखो आराम से रखो। इसमें क्या है? फोटो चाहिए था ना आपको अपनी आंखों के सामने, ताकि मेरा बेटा वैसा पैदा हो, बस उसी के लिए। अब देखिए जी भर के। और कंचन भाभी आप प्लीज खुद को और अपनी बच्ची को उर्मी से दूर रखा कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं मेरा बेटा ऐसा हो। ऐसा मत कहिए सम्राट जी। क्यों भाई, क्यों ना कहूं? मेरा बेटा मेरे जैसा होना चाहिए, स्मार्ट इंटेलिजेंट गुड लुकिंग, ऐसा नहीं। मुक्ति क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो, खोलो, लगाओ पूरे कमरे में, चारों तरफ लगाओ, चलो। अरे देवर जी आप तो अपनी फोटो ले आए। और क्या, आप मुझे देखिए 24 घंटे, ठीक है? उठते बैठते खाते पीते जो भी आप काम करती हैं, सब करते समय मुझे देखिए और दीजिए मुझे मेरा बेटा मेरे जैसा। भैया कहां कहां लगाएं? अबे ढक्कन कहां कहां क्या, जहां जहां जगह मिले लगा दो। मां लगाओ सबसे पहले, हाँ उतारो मां लगाओ। सुबह जैसे ही उठे सबसे पहले मेरा चेहरा नजर आना चाहिए। और क्या क्या है जरा देखिए तो। ये सारी की सारी फोटो तो देवर जी की है। क्यों सही है ना? अब तो आप खुश हैं, और खुश नहीं है तो राह कीजिए, डॉक्टर ने कहा है। आप खुश रहेंगी बच्चा खुश रहेगा, हंसता खिलता मुस्कुराता भर आएगा। अबे जल्दी करो, क्या लगा रहे हो, ये भी टेढ़ा लगा दिया तुमने, सीधा करो इसको। हाँ वहां लगाओ एक सामने, चलो इधर वहां लगाओ। ये हो गया आपका आखिरी। क्यों सही है ना? उर्मी लगता है देवर जी ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। अगर जे सब करने के बाद भी बच्चा अगर उनकी तरह नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? देखो अब तुम्हारा पेट तो छापा खाना है नहीं, जो बच्चा एकदम देवर जी जैसा छपके बाहर आएगा, अगर उसका चेहरा अलग हुआ तो। कंचन उर्मी अब नीचे आओगी या पालकी भिजवानी पड़ेगी तुम्हारे लाने? हैं अरे आ गए माँ जी, पालकी का खर्चा काहे बढ़ाएंगे आप? इतनी देर काहे लगा दी तुम दोनों ने आने में? और सम्राट कहाँ है?
माँ जी वो आ रहे हैं। अरे नहीं, तुम रहन दो बहू, गुस्सा आएगा सम्राट हमसे, तुम काम करोगे तो चलो बैठो। माँ जी हम थोड़ा सा... नहीं, हमने मना किया है ना। अरे माँ जी, आप देवर जी का कमरा देखोगी ना तो देखती रह जाओगी, पूरे कमरे में टंग गए हैं वो। टंग गए हैं मतलब? मतलब जे कि लटके हुए हैं देवर जी, पूरे कमरे में अपनी फोटो लगाए हुए हैं देवर जी, हर तरफ देखने पर जे लगता है कि अब डांटेंगे कि तब डांटेंगे। पता है उर्मी के देखने के लिए फोटो लगाई है, बेचारी उर्मी, पता नहीं देखेगी या देख देख के डरेगी। अरे चुप करो, हमारा बेटा कोई भूत पिशाच नहीं है जो ये डर जाएंगी। हाँ आओ बेटा, आ जा, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे हम। जे तुमने अच्छा किया, हम भी यही चाह रहे थे। अब तुम देखना बच्चा कितना प्यारा पैदा होगा। हा? प्यारा तो होना ही है माँ, बेटा है मेरा। सही कह रहे हो, इतने प्यारे माँ बाप हैं तो बच्चा भी तो प्यारा होगा है? जे लीजिए भाभी जी, जी आपका दलिया और जे जूस। उर्मी बेटा। जी पापा। अरे दिवाकर भैया, वो फर्नीचर वाला आएगा आज, देख के जो भी जरूरी है फर्नीचर रिप्लेस करवा देना, ये जो भी खराब है। ठीक है? ठीक है। आराम से जाओ। अरे झुमकी, जाकर ऊपर देखो बहू को। नाश्ता कर लो, चलो। हाँ नाश्ता करूं मैं। मेरे सामने आदमी उल्टी कर रहा है, मैं नाश्ता करूं यहां पे? इंसान हूं, जानवर हूं। सही कह रहे हो बेटा, पर अब कहाँ करें? बेटा प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, उर्मी वो जानकर थोड़ा कर रही है, तो कंट्रोल होना चाहिए ना। कंट्रोल नहीं है तो ना आए खाने के टेबल पे, खाना लगा हुआ है यहाँ पे। 2 दिन से देख रहा हूँ, लग करी जा रही है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, बताओ। सम्राट, वो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे ही बच्चे को जन्म देने वाली। सो वॉट, ये सब झेलू मैं? जन्म देने वाली है तो? देवर जी, ये तो जिम्मेदारी होती है पति की। ये तो रोज हमें नींबू पानी बनाकर पिलाया करते थे, इसलिए इनके हिस्से का काम मुझे करना पड़ता था होटल में। चलो ये सब छोड़ो बेटा, तुम नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता, और कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। कह दीजिए मैडम जी, नाश्ता ऊपर करें, नाश्ता ऊपर भेजवाओ उनका। अच्छा, या मेरे सामने आने की जरूरत नहीं उन्हें। और मक्खन है? मैक, आगे का क्या प्लान है? शादी वादी कब कर रहा है? क्या यार, तू भी ना वही घिसे पिटे सवाल से शुरुआत कर रहा है। अरे मुझे नहीं पढ़ना यार इन सब झमेलों में, मैं ऐसे खुश हूँ। और कौन खुद से अपने खुद के पैरों में बेड़ियां लगाए? बेड़ियां नहीं, जरूरी भाग होता है जीवन का। और कब तक अकेला रहेगा? लाइफ में कोई पार्टनर भी तो चाहिए ना। फॉर वॉट? हाँ चाहते होंगे लोग, होगा जरूरी किसी किसी के लिए यार।
बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मुझे नहीं पढ़ना इन सब झमेलों के अंदर। और वैसे भी बॉम्बे में कौन सी लड़कियों की कमी है? अरे दोस्त, हर रोज नई नई लड़की मिलती है, हर रोज। और फिर क्यों कोई एक लड़की की खातिर अपनी पूरी जिंदगी सड़ा ले? बात करना ही बेकार है, किसी और ही टॉपिक पर पहुंच जाते हो। अरे सच कह रहा हूं यार, सच कह रहा हूं, जिंदगी में कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जीता हूं, मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं, सिर्फ अपने लिए कमाता हूं और बस ऐसे ही चलती रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजी सुनते हो, ऑफिस से कितनी देर तक आओगे? अरे आज आपको आने में लेट हो गया। अरे ये सब कौन झेलेगा यार? अरे मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। जे तुम्हारे अपने विचार है, अपनी मर्जी, जैसे चाहे जी लो, पर सिर्फ अपने लिए कमाना, अपने लिए जीना थोड़ा थोड़ा कम सा लगता है। लाइफ में कुछ घटा घटा सा महसूस होता है। शादी मर्द और औरत का एक सम्मानजनक बंधन होता है, जिसे झेला नहीं, निभाया जाता है। इसमें जिम्मेदारियां तो होती है, अरे पर इसी को तो जीवन कहते हैं ना। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि कोई ऐसा होता है जिसके लिए जीने का मन करता है, चाहे घिसट के ही क्यों ना जीना पड़े। अब मेरी बात ले लो, कल रश्मि का बर्थडे, पर लगातार बढ़ते खर्चों की वजह से कुछ सेविंग नहीं हो पाई है कि मैं रश्मि को बर्थडे पे गिफ्ट दे सकूं। क्या बात कर रहा है यार, कल कल भाभी का बर्थडे है। हाँ तो मुझसे पैसे उधार ले ले, अरे कुछ उनकी पसंद का खरीद के दे दे, जो वो चाहे। तो उसकी चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी है, उतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। कंचन ज्वेलर्स का मेन शोरूम है, उसके डिस्प्ले पे हार लगा हुआ है, वो मैडम को पसंद आ गया, अब वो मैडम को चाहिए, कई दिन से रट लगा रही है। पसंद है तो ले लेना यार। पर पैसे नहीं है ना। तो मुझसे ले लेना यार। अरे नहीं नहीं, तूने कह दिया वही बहुत है। क्या हुआ, मुझे मंदिर क्यों बुलाया? क्योंकि आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसके लिए मंदिर से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। मतलब? मतलब ये कि ईश्वर को साक्षी मान के मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं त्रिशा। हेलो दादा दादी आ गए। लाओ मुझे दे दो इसको। प्रसाद दो इन्हें। हाँ जी लो। कहाँ गए थे पापा आप लोग? वॉक के लिए गए थे। वो हमारे इलाके के नेता ना चौहान साहब, उन्होंने हवन करवाया था और प्रसाद बंटवा रहे थे। अच्छा, इस बार भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं। और हमारा परिवार तो हमेशा से उन्हीं की पार्टी को वोट देता है बहू। हाँ बहू, तुम भी उन्हें ही वोट देना। पर क्यों? हमें उन्हें ही वोट क्यों देना चाहिए? बहू वो काफी सीनियर नेता है और हम हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। पापा सिर्फ इसीलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हमारा मतलब है कि किसको हमें वोट देना चाहिए ये हमारा अपना फैसला है। हम हमारे इलाके के सभी उम्मीदवारों को परखेंगे और देखेंगे कि कौन हम महिलाओं के मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम सभी को पूरी जांच करके ही वोट देना चाहिए। अब मतलब? माँ जी,
हमारे देश में औरतों की कितनी समस्याएं हैं, शिक्षा से लेके सुरक्षा और महंगाई तक। अब हमारे इलाके के कौन से उम्मीदवार इन मुद्दों का हल ढूंढेंगे? बात तो तुम्हारी सही है भाऊ, पर हमें ये बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा? बस माँ जी, पावर ऑफ 49 के नंबर पर मिस्ड कॉल कर दीजिए, वहां से आपको उम्मीदवारों को परखने की मदद मिलेगी। किन किन पहलुओं पर इन उम्मीदवारों को जांचना है ये पता चलेगा, और फिर इन पहलुओं पर घर परिवार वालों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। इससे आप ये पता कर सकती है कि हमारे क्षेत्र के कौन से उम्मीदवार ने हम औरतों के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाया है। अच्छा उर्मी बहू, हम समझ गए हैं कि ये एक जरूरी बात है, पर घर के काम काज में हम इतना व्यस्त रहते हैं, अब चर्चा का समय कहाँ है? माँ जी, हमें समय निकालना होगा। हम औरतें कितनी बातें करते हैं, आटे दाल का भाव, पड़ोसियों की बातें, तो क्या हम अपने देश और भविष्य की बात नहीं कर सकते? माँ जी, ये चर्चा करना जरूरी है, नहीं तो कैसे हम सही उम्मीदवार चुन पाएंगे? पूरी जांच पड़ताल कीजिए और अपना वोट अपनी मर्जी से दीजिए। हम औरतें 49% वोटर्स हैं, हमें ये पावर ऑफ 49 समझना चाहिए। सिर्फ बहू नहीं, बहुमत बनिए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, हमें औरतों की स्थिति में सुधार लाना ही पड़ेगा। हाँ बहू, हम भी बहुत सोच समझकर सही उम्मीदवार को ही वोट देंगे। हाँ।